नमस्कार, मैं वर्णिका आपका स्वागत करती हूँ कर्मा आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ आप किडनी से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ईजिली पा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी 10 आदतें हैं जो किडनी को ख़राब करती हैं, जिसे जानकर आप अपनी सेहत और किडनी दोनों को ही स्वस्थ रख पाएंगे। वैसे आप सभी जानते ही होंगे कि किडनी हमारे खून की सफाई के साथ पानी की मात्रा को कंट्रोल रखने में भी हेल्प करती है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। लेकिन हमारी छोटी आदतें ही हमारे शरीर और किडनी को नुकसान पहुंचाने लग जाती है। इसलिए आज उन आदतों के बारे में बात करेंगे जिससे उनमें सुधार ला सकें और आप अपनी किडनी की समस्या से बच सकें। तो आइए जानते हैं उन आदतों के बारे में। तो फर्स्ट, लगभग 10 में से 3 लोगों को डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, और ये दोनों ही किडनी की बीमारी होने का खतरा बढ़ा देते हैं। सही समय पर दवाई ना लेना या उसे कंट्रोल में रखने के लिए योगा और एक्सरसाइज नहीं करना आपकी समस्या बढ़ा सकता है। इसलिए आप किडनी को स्वस्थ रखने और किडनी की बीमारी से बचने के लिए अपनी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की समस्या को कंट्रोल में रखें। सेकेंड, आपका बढ़ता वज़न आपकी किडनी की समस्या का कारण बन सकता है, इसलिए इसको कंट्रोल में रखें। बढ़ते वज़न को कंट्रोल में रखने के लिए ओवर ईटिंग, बेवक्त खाना, गलत खान पान का सेवन जैसी आदतों को ठीक करें, जिससे शरीर में वेस्ट मटेरियल यानी खराब पदार्थ की मात्रा ना बढ़े और आपका वज़न भी कंट्रोल में रह सके। शायद आपको पता ना हो कि आपका बढ़ता वज़न डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जैसी समस्या का रीज़न भी बन सकता है, जो आगे जाकर आपकी किडनी पर बुरा असर डालती है। थर्ड है, धूम्रपान और शराब का सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर में बदलाव आने लग जाता है। आपकी ये आदत दिल की धड़कनों को बढ़ाने लग जाती है, जिससे खून सही मात्रा में किडनी तक नहीं पहुंच पाता और सही से फिल्टर नहीं होता। गंदा खून अगर शरीर में रहेगा तो गंदगी ज़्यादा होने लग जाएगी और किडनी के काम पर दबाव भी बढ़ जाएगा। वहीं शराब में मौजूद हानिकारक पदार्थों को किडनी फिल्टर अच्छे से नहीं कर पाती है, जिस वजह से किडनी धीरे धीरे ख़राब होने लग जाती है और उसकी कार्य क्षमता भी धीमी होने लगती है। कुछ समय के बाद वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है, जिस वजह से आपकी जान भी जा सकती है। फोर्थ, यूरिन रोकने की आदत आपके लिए किडनी की समस्या बन सकती है। बार बार अपने यूरिन को रोकना गलत आदत है, इससे आपका यूरिन वापस ब्लैडर में चला जाता है, जो कुछ समय के बाद किडनी की ओर जाने लगता है, जिस वजह से बैक्टीरिया किडनी में आ जाते हैं और आपकी किडनी खराब होने लगती है। फिफ्थ, अपने काम के चक्कर में लोग अक्सर पानी का सेवन करना भूल जाते हैं। आपने ध्यान दिया हो तो पूरा दिन आप पानी के बिना निकाल देते हैं। आप ये बात तो जानते ही हैं कि हमारे शरीर में 70% पानी मौजूद होता है, और यूरिन पास करने की वजह से पानी की मात्रा शरीर में कम होने लगती है। अगर शरीर में पानी की मात्रा कम होने लग जाए तो किडनी को फिल्टर करने के काम में दिक्कतें आने लग जाती है। इसलिए एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 2 से 3 लीटर पानी का रोज सेवन करना चाहिए। सिक्स्थ, हमारे बदलते लाइफस्टाइल की वजह से देर से सोना, जल्दी उठ जाना आम बात हो गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आदत को नहीं बदला गया तो इसका बुरा असर हमारी किडनी पर पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप 6 घंटे की नींद लेते हैं तो अच्छी और गहरी नींद लें, तभी आपकी सेहत और किडनी स्वस्थ रह पाएंगी। 7, खाने को स्वादिष्ट बनाने का काम नमक का होता है। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो खाना बेस्वाद हो जाता है। उसी तरह अगर हमारे शरीर में नमक की मात्रा ज़्यादा होने लगती है तो कई समस्या होना शुरू हो जाती है। उसमें से एक है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, तो दूसरी है किडनी की समस्या। शरीर में बढ़ते नमक की मात्रा की वजह से किडनी के काम पर दबाव पड़ने लग जाता है, जिससे थोड़े समय के बाद वो अपना काम सही तरह से नहीं कर पाती। 8, पेन किलर और एंटीबायोटिक दवाइयों का ज़्यादा सेवन करना भी आपकी किडनी पर बुरा असर डालता है। छोटे मोटे दर्द या हल्की फुल्की सर्दी जुकाम में पेन किलर या एंटीबायोटिक का सेवन करना उस समय के लिए रिलीफ देता है, लेकिन आने वाले टाइम के लिए आपकी किडनी को ख़राब कर रहा होता है। अगर आप ज़्यादा दवाइयों का सेवन करते हैं तो इसमें मौजूद केमिकल को फिल्टर करने के लिए किडनी को ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए आप हर छोटे मोटे दर्द या हल्की फुल्की सर्दी जुकाम के लिए दवाइयों का सेवन से बचें। आप काढ़ा पी सकते हैं और सिकाई या मालिश से सर दर्द या किसी भी तरह का दर्द से निजात पा सकते हैं। 9th है, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और पैक्ड फूड का सेवन करने से किडनी पर काम का दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि आपके इस तरह के खाने में नमक की मात्रा ज़्यादा रहती है, जो आपके शरीर और किडनी दोनों के लिए ही हानिकारक है। लास्ट है, इन्फेक्शन का इलाज ठीक से ना करने की वजह से भी आपको कई समस्या हो सकती है। कभी कभी चोट या घाव गंभीर बन सकते हैं, क्योंकि इनमें बैक्टीरिया आपके शरीर में घुस जाते हैं। इसलिए अपने छोटे मोटे फ्लू या चोट की डॉक्टर से जाँच करवाएँ, इससे आपके
शरीर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा और आप स्वस्थ रहेंगे और किडनी पर किसी भी तरह का दबाव नहीं पड़ेगा। तो आज हमने आपको बताया कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाती है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र में भी संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए हमारी डिटेल डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है या फिर हमारे फ़ोन नंबर भी स्क्रीन के ऊपर मेंशन है जिसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ऐसे ही कर्मा आयुर्वेदा के साथ बने रहें। धन्यवाद।